अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जो भी लोग अभी फिलहाल में इंडिया से अबू धाबी जाना चाहते हैं उनके लिए जो है कि अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्पेशल ऑफर है, बिल्कुल वो जो है कि जा सकते हैं इंडिया से अबू धाबी बहुत ही आसानी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो लोग अबू धाबी से इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए भी स्पेशल ऑफर है अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या है, कैसे फ्लाइट है, कैसे टिकट है, कैसे और क्या चीज है, वो सारा प्रोसेस हम आपको वन बाय वन आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक यानी लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन का पता चल जाए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यूई इंडिया ट्रेवल न्यू बजट फ्लाइट सर्विस टू स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर, यानी ये जो स्पेशल ऑफर है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग यूई से इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया से जो लोग यूई यानी अबू धाबी जाना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए, जैसे कि ये फ्लाइट जो है एयर अरबिया की फ्लाइट होगी जो कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलेगी और वो हफ्ते में जो है कि 4 दिन जो है कि चलेगी अबू धाबी से दिल्ली के लिए और दिल्ली से अबू धाबी के लिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्लाइट आर शेड्यूल डिपार्ट अबू धाबी एवरी मंडे, वेनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, यानी मंडे, वेनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, हफ्ते में 4 दिन जो कि ये फ्लाइट अबू धाबी से दिल्ली आएगी और सेम डे दिल्ली से अबू धाबी जाएगी। और जो फ्लाइट जो आएगी अबू धाबी से दिल्ली के लिए वो 10:35 पे जो है कि चलेगी और वहाँ से अबू धाबी से उड़ान भरेगी और 3:20 पे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर देगी ये 3:20 PM। और रिटर्न जो होगी फ्लाइट वो जो है कि 4 PM यानी शाम के 4 बजे यहाँ से दिल्ली से रिटर्न होगी और अबू धाबी जो है कि 6:40 पे शाम के ही जो है कि पहुँच जाएगी। तो जो भी लोग दोस्तों जाना चाहते हैं वो बड़ी ही आसानी के साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जो आपको फॉलो करने होंगे। जैसा कि अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं अबू धाबी तो आपका वीज़ा जो है एक्टिव होना चाहिए और या फिर आपके पास एक न्यू वीज़ा होना चाहिए और RT-PCR का टेस्ट होना चाहिए, COVID-19 का जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए, PCR टेस्ट जो है वो 72 आवर्स पुराना होना चाहिए और अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको जो है कंफर्म कर लेना है बाकी एयरलाइन के साथ। और जो यूई से आना चाहते हैं उनको जो PCR का टेस्ट 72 आवर्स का चाहिए और बाकी COVID-19 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एयर सुविधा पे उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और PCR का टेस्ट जो है वो आपको अपलोड करना होगा यूई से यानी इंडिया आने के लिए।